नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बलरामपुर में पानी के लिए दो सगे भाइयों को गोली मारने वाले ग्राम प्रधान को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार प्रधान के पास से अवैध देसी असला भी बरामद किया है। थाना देहात के ग्राम इमलिया में घटित घटना में राजकुमार राम के नाम के युवक की मौत हो गई थी, जबकि शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। मामला कोतवाली देहात के ग्राम इमलिया का है, जहां बीते 8 जून को प्रधान सुनील बाबा ने पानी लेने पर दो भाइयों को गोली मार दी थी। इस घटना में राजकुमार को पेट में गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। जबकि उसके भाई शिव कुमार को हाथ में गोली लगी थी और उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय में ही प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। प्रधान ने ट्यूबवेल का सरकारी पानी रोक दिया था। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि बीते कुछ दिनों से प्रधान सुनील बाबा ने ट्यूबवेल का सरकारी पानी रोक दिया था। पानी लेने पर गोली मारने की धमकी दे दी गई थी। धमकी को नजरअंदाज कर दोनों ने अपने खेत में ट्यूबवेल का पानी खोल दिया, जिसके बाद प्रधान का पारा चढ़ गया। उसने अवैध असले से दोनों भाइयों को गोली मार दी। घटना के बाद से पुलिस प्रधान की तलाश में थी। घटने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील बाबा, सुखराम बबुदराम पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आज घटना के मुख्य आरोपी सुनील बाबा को फुलवरिया बाईपास के निकट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 32 बोर का एक अवैध देसी तमंचा व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूरे मामले पर आरोपी प्रधान सुनील बाबा का कहना है कि राजकुमार व शिव कुमार के पूरे परिवार ने उन्हें घेर लिया था। ऐसे में लोग उनकी जान लेने पर तैयार थे, इसलिए अपने बचाव में उसने गोली चलाई, जिसमें राजकुमार की मौत हो गई। पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना का कहना है कि सीओ सिटी वरुण मिश्रा के नेतृत्व में बेहतर काम करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल रवाना किया जा रहा है। ग्राम इंडिया देवा थाना कोतवाली देहात में एक घटना हुई थी, जिसमें सगे दो भाइयों को गोली लगी थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था। 3 लोगों में से 2 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था 9 तारीख में, और एक को कल हम लोगों ने गिरफ्तार किया है वडिया बाईपास से, जिसमें मुख्य अभियुक्त हैं ये सुनील कुमार जायसवाल और बाबा, ये ग्राम प्रधान भी हैं उस गांव के। इनके कब्जे से जो आला कत्ल है वो भी बरामद किया गया है, और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार भी किया है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।